जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा। फिर दोनों एक स्थान पर इकट्ठे हुए, चर्चा चली और उसका ही परिणाम निकला कि गांधी जी ने एक अद्भुत कार्य किया। हुआ यह था कि फिरोज जहांगीर गुजराती थे, पहले मुंबई में रहते थे, पिताजी की मृत्यु के बाद में अपनी महारथी के साथ में वे इलाहाबाद जाकर के रहने लगे, जहां उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इलाहाबाद जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का शहर है, वे वहां आनंद भवन में रहते थे। कमला नेहरू और इंदिरा नेहरू भी वहीं रहते थे। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद फिरोज कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। एक कार्यक्रम चल रहा था जहां अचानक कमला नेहरू गिर पड़ी। फिरोज गांधी उन्हें लेकर के अस्पताल गए, इलाज करवाया, घर छोड़ा और उसके बाद में उनकी देखभाल के लिए बार बार आनंद भवन जाने लगे। यहीं उनका परिचय इंदिरा नेहरू से हुआ। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और दोनों प्रेम करने लगे। जब इसकी जानकारी कमला नेहरू को हुई तो वह बहुत गुस्से में हुई। उन्होंने ये बात जवाहरलाल नेहरू से कही। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि विजातीय विवाह, विधर्मी विवाह कैसे होगा, बदनामी होगी। उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा। महात्मा गांधी ने उनको सलाह दी और उन्होंने कहा कि फिरोज को मैं अपना नाम देता हूँ, सरनेम देता हूँ। उस दिन से फिरोज गांधी हो गए और उसके बाद में इंदिरा नेहरू और फिरोज गांधी का विवाह हुआ। इस तरह से इंदिरा गांधी इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी बन गई। इसे लेकर के आज भी अनेक कहानियाँ कही जाती है, पोस्ट की जाती है, बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यह 1942 की एक प्रेम कहानी था।